अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का जो वीलॉग है वो बड़ा ही स्पेशल है, और जैसा कि हम सबको पता है कि मुल्क की जो पॉलिटिकल आजकल हालात चल रहे हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड पर चले गए हैं। पहले तो मैं एक थोड़ा सा अपोलोजाइज कर लूँ कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीलॉग बनाया था एएसपी शहर बानो के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली मेरी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कम थी। और अभी रिसेंटली जो तैयबा राजा हैं पीटीआई की, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, लीडर तो नहीं है, उन्होंने इंकशाफ किया कि जो उनकी गिरफ्तारी थी उसके अंदर सारा जो रोल था वो एएसपी शहर बानो का था, और उन्होंने जो है इन लोगों को अरेस्ट करवाया था। तो आई थिंक के जो पीटीआई के हमारे फॉलोअर्स हैं, अगर उनको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये डिटेल नहीं पता थी। और अब पता लग रहा है कि एएसपी शेर बानो जो है वो मोहसिन नकवी की रिलेटिव हैं, और नून लीग और मरियम नवाज़ की जो है वो एक किस्म की बहुत ही पिट्ठू है। तो जो एक्ट उन्होंने वहाँ किया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उनको कोई फेवर नहीं दे रहा और ना ही मैं उनके हक में कोई बात कर रहा हूँ। बहरहाल कल जो है असम्बली के इजलास स्टार्ट हो चुके हैं कल परसों से, और लोगों ने जो है वो ओथ ले लिया हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल्स थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो असेंबली में आए, और उन्होंने गेटअप किया हुआ था इमरान खान का, आप लोगों ने देखा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर इसमें अपलोड भी कर दूँ। इमरान खान के मास्क आजकल बड़े फेमस हुए हैं, और जब से पैमरा ने ये बैन हटाया है कि इमरान खान का नाम लेने पे और इमरान खान की पिक्चर शो करने पे, तकरीर शो करने पे पाबंदी ख़त्म हो गई भी है, तब से जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने नया तरीका ये सोचा है कि उन्होंने इमरान खान के जो मास्क बनवाए हुए हैं जो कि आई थिंक चाइना से एक्सपोर्ट हो रहे होंगे ऑब्वियसली, और वो पहन के जो हैं ये लोग आ जाते हैं बाज़ारों में, और अब वो मास्क जो है वो नेशनल असम्बली तक आ गए हैं। शेर अफजल मरवत जो है, अली मोहम्मद ख़ान, जरताज गुल और कुछ और बड़े लीडर्स जो हैं कल नेशनल असम्बली में आए, और उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। वो बड़ा ही मज़े का एक विजुअल था, और देखने से पता लग रहा था कि मरियम नवाज़ की और नवाज शरीफ की जो है वो कोई मैं गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन वो काफ़ी सड़ रहे थे उनको देख के, और मरियम औरंगज़ेब की भी चीखें निकल रही थी। फिर एक और वाक़या ये हुआ कि जो एमपीए थी नून लीग की, अभी मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, काफ़ी बदतमीज़ किस्म की औरत थी, उसने अपना जूता उतार के तो केपीके के जो गवर्नर हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उनके सर के ऊपर जो है वो जूती घुमा रही थी ऐसे ऐसे करके, और सारे जो अपने कोलीग्स थे एमपीएज उनको वो जूतियाँ दिखा रही थी। ये शो करता है कि इनकी कितनी घटिया सोच है। ऑब्वियसली जब लीडर घटिया होगा, जब लीडर ऐसी होगी कि जो लोगों की गंदी वीडियोस बनवाए और लोगों की गंदी वीडियोस आउट करवाए, फिर उनके ऊपर तशद्दुद करवाए अपनी मर्ज़ी से, जो एंकर्स हैं किसी को कत्ल करवा दे, किसी को किडनैप करवा ले, तो ऑब्वियसली उनके एमपीए भी ऐसे घटिया ही होंगे। ये देखा गया कि जब किसी के पास कोई दलील नहीं होती, ख़ासतौर पर ये पटवारी लोगों के पास, तो वो गंदी बातें करते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, कभी किसी की नंगी तस्वीरें निकाल देते हैं, कभी किसी की माँ बहन को पकड़ लेते हैं। आज भी उन्होंने यही शो किया केपीके की असेंबली में, उनकी जो एमपीए थी उसने जूता उतार के सारे अपने कोलीग्स को दिखाया पीटीआई वाले, वो आगे से जाहिर है वो हूटिंग कर रहे थे, और क्या उन्होंने करना, ये लोग खुद भी करते हैं, और वैसे तो इतना अच्छा काम नहीं है, एथिकल नहीं है हूटिंग करना, लेकिन इन्होंने रवाज खुद डाले हुए इस तरह के। तो जब उन्होंने आगे से इनके खिलाफ हूटिंग की और नवाज शरीफ चोर के नारे लगाए, तो उसने अपनी जूती उतार के लहराना शुरू कर दी, और फिर अली अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, वो बड़ा डिसेंट बंदा है, क्योंकि वो जिस इलाके के हैं वहाँ पे औरतों की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब ही है जहाँ पे औरतों को नंगा किया जाता है, वरना केपीके में तो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, औरत की बेहुरमती पे वो तो फिर कत्लो गारत पे आ जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने ज़रा हाथ औला रखा, और रिस्पेक्ट के तौर पर वो बैठ के उन्होंने मना भी किया कि आप अपनी सीट पर वापस चली जाएँ, लेकिन वो औरत बदतमीज़ थी ऑब्वियसली, मरियम नवाज़ की ट्रेंड थी और साइकोटिक थी, उसके पास दलील वाली बात नहीं थी, स्ट्रेस में थी। मरियम नवाज़ ने ऑब्वियसली स्ट्रेस में रखा होगा कि तुम लोगों ने बदतमीज़ी करनी है, तो वो बाज़ नहीं आई और उसने जूती शूती लहराई अली मिन गंडापुर के सर पे, लेकिन वो फिर भी खामोश बैठे रहे। बहरहाल बताने का मकसद यही है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी घटिया और बेशर्मी पर मबनी है। हम सबको पता है कि कई साल पहले
जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में लगती थी तो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की जो न्यूड तस्वीरें हैं वो जहाज से फेंकी थी और एक दूसरे को ये बड़े बुरे अल्फाज में पुकारते थे। अब वही जो उन्हीं के बच्चे जो हैं वो आपस में इक्तदार के नशे में और इमरान खान के डर में एक दूसरे के साथ मिल के बैठे हुए हैं। बहरहाल कौमी असम्बली के जो इजलास हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को यूथ को दोबारा से वो इजलास देखने पड़ेंगे। आज तक हमने ज़िंदगी में कभी पीटीवी नहीं देखा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोग पीटीवी को देखें और जो नेशनल असम्बली के और पंजाब असम्बली के जो इवेंट्स होते हैं उनको ज़रूर देखें। आपको पता लगेगा कि ये जो पॉलिटिक्स के लोग हैं जिनको हम लोग खुद सेलेक्ट करते हैं इनकी असल में औकात क्या है। जिस तरह होते हैं नहीं नर्सरी के बच्चे होते हैं, कोई किसी का लंच छीन लेता है, कोई किसी की कुर्सी खींच लेता है, कोई किसी के ऊपर थूक फेंक देता है, इस तरह की हरकतें करते हैं, घटिया बहुत घटिया हरकतें करते हैं। तो आपको भी पता चले कि ये जिन लोगों को हम सो कॉल्ड अवाम का नुमाइंदा या अपना लीडर समझते हैं वो लोग एक्चुअली कितने घटिया हैं। वो लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ के नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है। और ऑब्वियसली ये दोनों साइडों से हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले ऐसे करते हैं, पीटीआई वाले भी ऐसे करते हैं और ये बहुत गलत है। जिस तरह मेरा ख्याल है केपी के असम्बली में ऐसे हुआ है कि नून लीग की एक जो बेशक वो जैसे भी हैं एक एमपीए जो है वो जब आई फ्लोर पे तो लोगों ने उनके ऊपर लोटे फेंके और जूते फेंके, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई एक जमात गलत हरकतें कर रही है और उनका बिहेवियर बुरा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने मुंह पे थप्पड़ मार के अपना मुंह भी लाल कर लें। आप लोगों को अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, दोनों तरफ से गलती हो रही है और इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये लीडर्स को चाहिए कि कंट्रोल करें। जो असेंबलीज हैं वो असल में प्लेटफॉर्म है डिस्कशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वहाँ पर आप उन्हें फिजिकल एक्ट नहीं करना। मुझे जहाँ तक समझ आई, ऑब्वियसली मेरा इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है वो फिजिकल एक्शन की जगह नहीं है, जूते फेंकने की, गालियाँ देने की और मार कुटाई की जगह नहीं है। वहाँ पे आपने जो बात करनी है आप दलील से करें और दलील ऑब्वियसली उसी के पास होगी जो सच्चा होगा। जो मरियम नवाज़ जैसा झूठा होगा, राना सनाउल्ला जैसा झूठा होगा, अता तारड़ जैसा झूठा होगा, उसके पास तो ऑब्वियसली दलील नहीं होगी, वो तो फिर आगे से गालियाँ ही देगा। तो सब लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अब ये जो नेशनल असम्बलीज हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, पहले लोग इनके इजलास नहीं देखते थे, अब तो हर बच्चा बच्चा जो है वो इनको देखता है और वो इनसे ऑब्वियसली सीखते हैं। हमारी नई जनरेशन ये सीखेगी कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो बदतमीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल रखना चाहिए। और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं बेशक वो पीटीआई के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, उन लोगों को भी इस चीज़ को इनक्रेज नहीं करना चाहिए कि चलो जी बड़ा अच्छा किया, जूती मार दी है, गाली दे दी है। जो गलत काम है वो गलत ही रहता है और मैं भी इसकी जो है वो करता हूँ कि ये बहुत गलत बिहेवियर है। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ अब जाती है और किस तरह जो है सारे इवेंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। शेर अफजल मरवत आ रहे हैं नेशनल असेंबली में और बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, इन लोगों ने कोशिश तो बड़ी की थी इनको रोका जाए, लेकिन ऑब्वियसली कब तक रोक सकते हैं। मुझे किसी हद तक लगता है कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी है पीटीआई को वापस असेंबली में लाने के लिए, नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली में लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का ऑब्वियसली रोल है, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो बड़ी इजीली इनको रोक सकते थे, लेकिन अभी तक वो रोक नहीं रहे, इनको दोबारा से वो लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। तो मे बी बैकडोर कुछ रबते हो रहे हों और मुझे किसी हद तक लगता है कि रबते हो जाने चाहिए। इमरान खान को थोड़ा सा ना लीनियंसी अब शो करनी चाहिए, बेशक इन चोरों के साथ ना करें लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर करें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। कल पेट्रोल जो है वो दोबारा से 4-5 रुपये महंगा हो गया है, बिजली 7 रुपये और महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, तो हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब है। बहरहाल ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। मौसम आज बहुत अच्छा है, इंजॉय करें, समोसे खाएँ, जलेबियाँ खाएँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ खाने पीने का व्लॉग भी आज अपलोड करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।